होंडा लीवो बाइक है और सबसे पहले चाबी को ऑन कर लेता हूँ और स्टार्ट लगा रहा हूँ और अभी बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। इधर हैंडल मोड़ता हूँ तो थोड़ा रेस होता है, ये देखो, और जब ही इधर मोड़ता हूँ तो ये देखो फुली रेस हो गया। मतलब ये जो एक्सेलेटर केबिल है गाइस, ये जो थोड़ा ले, ये ज़रा से भी ये लूज नहीं है, ये देखो कितना हार्ड हो गया है, ये देखो। और इसमें कस्टमर का कहना है कि 10 दिन पहले एक्सेलेटर केबिल लगाया था, मतलब उन्होंने 2 बार एक्सेलेटर केबिल को चेंज किया फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है। और जब ही हैंडल को मुड़ता हूँ ये देखो अभी फुली रेस हो गया, और इस साइड में मुड़ता हूँ और ये देखो, ये देखो ये फुली रेस हो जाता है, ये देखो। मतलब ये जो एक्सेलेटर केबिल है इसमें आपको नीचे से स्लाइड पिन देखने के लिए मिलता है और आपको इधर से एडजस्ट करने के लिए एक नाट रहता है। सबसे पहले आपको इधर से देखना होगा, ये देखो ये अभी फुली टाइट है, मतलब इधर से और आगे पीछे नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फुली इधर से टाइट है। तो इसके लिए एक आपको उपाय बताने वाला हूँ गाइस, ये देखो हमने इधर से ये कवर को लगा दिया है। और आपको करना क्या है कि इधर से 2 नाट आपको देखने के लिए मिलता है, ये दोनों नाट को आपको खोलना है क्योंकि ऐसे बार बार उन्होंने बोला कि 10 दिन 15 दिन जाता है एक्सेलेटर केबिल और फिर ऐसा ये नाटंगे चालू हो जाता है। तो आपको इधर से ये दोनों नाट को खोलना है और आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेप में ये काम बन जाएगा। ये देखो इधर से हमने तार को हटाया और सिर्फ ये नाट को आपको हटाना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इधर से ये नाट को हटा लेता हूँ। सबसे पहले इधर से आपको लूज करके लेना होगा क्योंकि ऐसे मोड़ने से इधर से वायर कट हो सकता है। ये देखो अभी इधर से थोड़ा बहुत घुमा के आपको खोलना होता है, ये देखो, ये देखो ये तार भी थोड़ा बहुत हार्ड हो गया है। जैसे आपको खोल ऐसे खोलना है और ऐसे आपको लगाना है, ये देखो, क्योंकि ये नाट को हमने नहीं घुमा रहा होगा इस, क्योंकि इधर से टूट जाएगा, आपको इधर से खाली ये नाट को हटाना है, बस इतना ही काम है। और उसके बाद ये बिल्कुल फ्री चलेगा। ये नाट को हमने फेंक दिया है और आपको इधर से बस दोबारा टाइट करना है और ये इजीली ठीक हो जाएगा दोस्त। क्योंकि जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएगा कोई भी बाइक में तो जिसमें स्लाइड पिन रहेगा तो उसमें तो उसमें से आप नीचे से एडजस्ट नहीं कर सकते हो दोस्त। ये देखो नहीं, ये वायर थोड़ा लपट गया है, इसी को सीधा कर लेगा और इधर से आपको लगाना है। और आपको रियल प्रूफ दिखाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाट को हटाना है। इधर से हमने लगा दिया है और ये देखो अभी ये हमने इसमें फिटिंग कर दिया और दोबारा ये कवर को आपको लगाना है बस। और आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ, ये देखो हमने इधर से लगा दिया है, अभी ये कवर बैठा नहीं है, आपको बराबर बिठाना है नहीं तो ये नाट लगाएगा तो फिर टाइट चलेगा। ये देखो हमने इधर से दोनों नाट को टाइट करके ले लिया है। आपका पास भी इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इधर से नाट को हटाना है। और ये देखो थोड़ा दूर में करो, अभी ये फ्री हो गया है। और आपको स्टार्ट मार के दिखाने वाला हूँ, चाबी को ऑन कर लेता हूँ, ये देखो अभी बिल्कुल ठीक हो गया ना दोस्त, और पहले प्ले नहीं हो रहा था। और अभी देखो दोनों तरफ घुमा के आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखो अभी बिल्कुल ठीक हो गया, देखो आप क्या है जैसे भी घुमाओ, उल्टा घुमाओ, किधर भी हैंडल मोड़ो, ये रेस होने वाला नहीं है। ये देखो बिल्कुल ठीक हो गया ना दोस्त। इसी तरह टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में पहली बार आया सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।